Assalamu alaikum, everyone. So a few weeks back, I posted about this product in my story. और मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरीज आई इतनी ज़्यादा क्यूरीज आई कि आई जस्ट डिसाइडेड टू डू अ होल वीडियो ऑन दिस. और मैंने बहुत सारे जो लड़कियों से रिक्वेस्ट भी की कि जिनके भी कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट तो वो सारे मुझे भेजें ताकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो करूँ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस विद इट एंड इज़ इट इफेक्टिव और नॉट. ठीक है जी, सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के बॉक्स पे आ जाते हैं. मैं सारे चीज़ों के जवाब दूंगी जो मेरे पास हैं, लेकिन लेट्स जस्ट कम टू द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग. दिस इज़ बेसिकली द फिलिप्स लूमिया एडवांस्ड आईपीएल लेज़र सिस्टम. ए आईपीएल होता क्या है जी? इंटेंस पल्स्ड लाइट. जो करता क्या है बेसिकली ये प्रिवेंट करता है हेयर की रीग्रोथ को, यानी कि आपके जो बाल दोबारा ग्रो कर रहे होते हैं उसके प्रोसेस को स्लो कर देता है ये डिवाइस. ठीक है जी. सो इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं. ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर मॉडल दैट आई हैव इज़ द फिलिप्स लूमिया एडवांस्ड. इसके दो तीन और मॉडल्स हैं जिनके साथ मल्टीपल अटैचमेंट्स भी हैं, और यू कैन सर्च ऑब्वियसली इसी नाम को लिख के आप सर्च कर सकते हैं. अच्छा जी, सो इनिशियली इन्होंने ये कहा है कि जी फॉर बेस्ट रिजल्ट्स वी रेकमेंड एन 8 week स्केड्यूल फॉलोड बाई टचअप्स एवरी 2 months. तो पहले भी वो कहते हैं कि जी आप एवरी 2 weeks करें फॉर द फर्स्ट यू नो सेशन, आप समझ लें उसको. ठीक है, यानी यू हैव टू यूज़ इट एवरी 2 weeks. और उसके बाद आपको एज़ यू नो कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, तो यू विल सी योर सेल्फ कि आपको थोड़ा सा जो है ना वो गैप अपना इंक्रीज करना पड़ेगा. सो यू विल सी कि द हेयर रीग्रोथ हैज़ बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली. एंड अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू देम जी 8 week स्केड्यूल, यानी कि 4 to 8 weeks आपको गैप रखना पड़ेगा. यानी कि एक आपने सेशन किया, देन आप 4 weeks वेट करें और उसके बाद यू विल हैव टू डू द अदर सेशन. और इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल नीड कि 8 weeks का गैप आ जाए. सो बेसिकली दैट मीन्स कि आपका अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, विच ऑब्वियसली विल मीन के मोर डेज वेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर स्टफ. ठीक है ना, लाइक वैक्सिंग और एनीथिंग. अच्छा, सूटेबल स्किन टोन्स. थोड़ा सा इसके ऊपर ना इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. पहले मैं बता दूँ इस डिवाइस की कि ये हर एक स्किन टोन के ऊपर सूटेबल नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली ये ऐसी स्किन जो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन्स हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है. सो इफ़ यू आर वेरी फेयर देन आई थिंक दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट फॉर यू. आपको ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी. सूटेबल बॉडी हेयर कलर्स. अच्छा, आप बॉडी हेयर के ऊपर अगर आप आ जाएं तो जो लाइट हेयर कलर हैं इस तरह के कलर्स, ठीक है, ये वाले, दीज आर नॉट सूटेबल विद दिस प्रोडक्ट. जो ये हेयर कलर्स हैं जो जनरली एशियन स्किन टोन्स के साथ होते हैं, दे आर यूजुअली सूटेबल. सो आप लेने से पहले आपको ये बॉडी डिसाइड करना पड़ेगा कि इज़ योर स्किन टाइप, स्किन टोन एंड योर हेयर कलर एक्चुअली इज़ सूटेबल फॉर दिस डिवाइस और नॉट. क्योंकि दिस इज़ अ वेरी 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 ह्यूज इन्वेस्टमेंट. सो आप अगर ये ले रहे हैं तो देन यू नीड टू बी श्योर कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू और नॉट. ठीक है, सो डिवाइस की अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चंस. तो आई होप कि दिस इज़ विजिबल इन द कैमरा. अच्छा, जो मैंने लिया है इसकी 2 अटैचमेंट्स हैं, एक बॉडी के लिए और एक फेस के लिए. बट देर आर अदर मॉडल्स जिनकी 3 अटैचमेंट्स भी हैं, लेकिन मैंने बहरहाल ये लिया है. एक इसकी ऑब्वियसली इसके साथ इसकी बुकलेट आती है, देन देर इज़ दिस पाउच इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट इन द पाउच, देन देर इज़ दिस क्लीनिंग क्लॉथ. मैंने जिसको अभी तक दूसरे क्लॉथ से मैं करती रही हूँ. दिस इज़ द एक्चुअल डिवाइस. इट लुक्स लाइक अ इंफ्रारेड थर्मोमीटर और समथिंग. देन इसका अडेप्टर है ऑब्वियसली विच प्लग्स इन टू दिस पोर्ट, और देन यहाँ पर से इसकी जो दूसरी अटैचमेंट है वो आती है. सो थोड़ा सा मैं इसको पहले यहाँ से दिखा देती हूँ सो दैट जस्ट एक व्यू मिल जाए. अभी ऑन तो मैं अभी इसको नहीं कर रही. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. दिस इज़ द अडेप्टर, दिस इज़ सम एडिशनल पेज पेपर, और दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक.